फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको जो है सिंपल सी एक इजी ट्रिक लाई हूँ फ्रॉक की, बेबी की। ये डिमांड पे है। एक्चुअली किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैम दो स्टेप में बताना है और इजी करके, तो मैंने देखी ये आपके लिए स्पेशल लाई हुई है। देखिए, इसमें मैंने जो है सिंपल दो पट्टियाँ बनाई हुई है। मैं एक्चुअली आपको नीट करके तो नहीं बताऊँगी, इसमें मैं आपको सिर्फ ग्राफ बता सकती हूँ। और ये ट्रिक मैंने पहले भी बताई हुई है आपको, बेबी हाई नेक फ्रॉक वाले में बताई हुई है। प्लीज़ उस वीडियो को आपने देखना है और लाइक करना है और शेयर करना है। इसमें क्या रहता है मेरा, देखिए इसमें मैंने जो है, देखिए दो पट्टियाँ हैं और मैंने जो ये मतलब यहाँ से मैंने जो गले के लिए यानी नेक के लिए रखा हुआ है, यहाँ मेरे जो आर्म के लिए रखा हुआ है। चाहे तो आप क्रोशिया कर सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पर जो है आर्म को भी लगा सकते हो। तो इसके साथ में अगर आर्म भी लगाना चाहते हैं तो मैंने इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में कर देना है। इस तरह से मैंने ये देखिए, और इस तरह से मेरा ये आर्म भी मेरी यहाँ से बन जाएगी। तो देखिए, मैं इस तरह से यहाँ ग्राफ बता रही हूँ आपको। ये मेरे देखिए, मैंने कंटिन्यू कार्ड लगाया हुआ है और मैंने जो इसे यहाँ से स्टिचिंग करते हुए जाना है मैंने यहाँ तक, और बैक से और फ्रंट से। और फ्रंट वाले में थोड़ा सा मतलब मैंने इस तरह से, आप चाहे तो बैक साइड में भी लगा सकते हो। तो इस तरह का जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये ट्रायंगल शेप का बना है। मैंने ये दो तीन पीस बना के रख लिए है मैंने ऑलरेडी। ये अलग भी बनाए जाते हैं और साथ साथ में निट किए जाते हैं। ये इस तरह से ये यहाँ पर जुड़ता हुआ जाएगा, इधर से ये यहाँ को इस वाले पोर्शन में और ये वाला इस वाले पोर्शन में। तो इस तरह से तो ये मेरी फ्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। और बहुत ही ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। ये देखिए, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट कीजिए। कमेंट करने में आपको थोड़ी सी कंजूसी करते हैं, प्लीज़ मत कीजिए। और जितना मुझे क्वेश्चन पूछेंगे मैं उतना आपको आंसर देने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए, बहुत इजी ट्रिक है। ना ही मैंने कोई काट की हुई है, ना ही मैंने कुछ एक्स्ट्रा से इसमें नेक की कोई शेप दी हुई है। ये देखिए इस तरह से। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है। ये देखिए, अब मैं इसमें जो है क्रोशिया करने जाऊंगी क्रोशिया। इसके बाद देखिए, आप चाहो तो मतलब इसमें जो आर्म है क्रोशिया की कर दो, विदाउट भी रख लो, आपकी चॉइस है। देखिए इस तरह से बैक पोर्शन मैंने जो है लगाया हुआ नहीं है, आप चाहो तो लगा भी सकते हो। इस तरह से देखो, एम्ब्रॉयडरी भी मैंने कर रखी हुई है इस तरह से। और ये एम्ब्रॉयडरी की वीडियो भी मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ इस तरह से। इस तरह से ट्रायंगल शेप में आएगी ये, बहुत अच्छी बन के आती है। थैंक यू, थैंक यू।